ओके हेलो एवरीवन, आज कैसे हैं सब लोग? बसंत, अनीता, आयुषी, सौरभ, पुष्पेंद्र, सौम्या, ग्रेट। जय हिंद। वेलकम टू अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास। और लास्ट क्लास में आपको याद है हम डिस्कशन कर रहे थे क्या? ऑन डिजाइन, है ना? तो डिजाइन वाला आइडिया जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसमें हमने दो तीन आइडियाज मेनली इंपॉर्टेंटली समझे थे। एक बार मुझे याद दिलाओ। हमने आई थिंक बात की थी मॉड्यूलैरिटी की थी लेवल ऑफ डिजाइन की, है ना? तो थ्री लेवल ऑफ डिजाइन हमने समझे थे। कौन कौन से? सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिजाइन, सबसे पहले इंटरफेस डिजाइन, उसके बाद डिटेल डिजाइन, वेरी गुड। और सबसे लास्ट में हमने बात की थी आर्किटेक्चरल, एंड देन सबसे बाद में बात की थी डिटेल की। यस, ओके। तो मॉड्यूलैरिटी का जो एडवांटेज था वो हमने समझा था, और उसमें आई थिंक दो अप्रोचेस हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? कपलिंग और कोहिजन। एक बार याद दिलाओ, मॉड्यूलैरिटी के अंदर दो आइडियाज फर्दर हमने डिस्कस किए थे, कपलिंग और कोहिजन, जहां पर हमने समझा था कि एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न, अगर मॉड्यूल के अंदर रिलेशनशिप है तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे? If relationship is inside a module, then it is called cohesion. Very good. And if relationship is between the module, then that is called coupling. है ना? और desirable क्या है? That you should have high cohesive strength or high cohesion, and coupling should be low. And coupling should be low. है ना? तो इस basis पे काफी सारे statements आपको मिलेंगे, उसमें से कुछ direct relatable हो भी सकते हैं, कुछ में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो। एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। हमने इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? कपलिंग क्वेश्चन चल रहा है कि कंप्लीट हो गया था? यस, अभी तो हमने बात की है, सिर्फ कपलिंग की बात की थी आई थिंक ना। सिर्फ कपलिंग की बात की थी, क्वेश्चन अभी रहता है। ओके ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जरा, एक बार बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का पूछा दिसंबर 2013 में, नेट में क्वेश्चन पूछा था, द रिलेशनशिप ऑफ अ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल इज कॉल्ड। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर एलिमेंट्स के मॉड्यूल की बात कर रहा है ना, मच क्लियर कि ये किसकी बात कर रहा है? कोहिजन की। बिटवीन द मॉड्यूल्स होता तो अपन समझ सकते थे किसकी बात कर रहा है, कपलिंग की, है ना? बट लाइक डिफरेंट रिलेशनशिप है, देन इट इज अबाउट कोहिजन। इतना पॉइंट समझ आ रहा है सभी को? एक और क्वेश्चन देखिए, ये एक बार ध्यान से पढ़िए, कौन कौन से स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और मुझे बताए क्या फॉलो कर पा रहे हैं आप। ओके, प्रज्वल आई थिंक इज सेइंग डी इज द करेक्ट आंसर। हेलो दुष्यंत, सौरभ, अनुश्री, ओके।
लेट मी इन्वेस्टिगेट पॉइंट बाय पॉइंट, बिकॉज देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, क्योंकि वहां पर थोड़े से एम्बिगस स्टेटमेंट लिखे होते हैं। मैं एक एक करके एक बार स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर मुझे बताइएगा। सॉफ्टवेयर कपलिंग इन्वॉल्व डिपेंडेंसी अमंग पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मॉड्यूल्स। बात सही है कि जो सॉफ्टवेयर के पीसेज है जिसके मॉड्यूल्स बोल रहा हूँ, उनका जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। ओके, अगली बात देखिए क्या कह रहा है। कॉमन कपलिंग अकर्स व्हेन टू मॉड्यूल शेयर्स द सेम ग्लोबल डेटा। आप मुझे बताओ क्या बात सही है। कॉमन कपलिंग, अगर डेफिनेशन आपको याद हो है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जहां भी ग्लोबल डेटा शेयर डेटा हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पर हम कॉमन कपल बोलते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ऑप्शन पी जो है वो तो बिल्कुल सही है ना। क्यू को रिलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो फिर पहले आर बता दो, आर को रिलेट कर पा रहे हो? ओके, कंटेंट कपलिंग अकर्स व्हेन वन मॉड्यूल मॉडिफाइज और रिलाइज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अनदर मॉड्यूल। बिल्कुल सही बात है। तो व्हेन वन मॉड्यूल इज लाइक वर्किंग एज अ लाइक और इज बिहेविंग लाइक इनसाइड ऑन ऑफ द अनदर मॉड्यूल, तो वहां पर आप जानते हैं हमेशा केसेस होते हैं, और ये सबसे सीवियर टाइप का कपलिंग है, दिस इज कॉल्ड कंटेंट कपलिंग, है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब रही बात क्यू की, कह रहा है कंट्रोल कपल अकर्स व्हेन। तो मैं आगे पढ़ने से पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताओगे कंट्रोल कपलिंग क्या होता है? व्हाट इज कंट्रोल कपलिंग? जहां पर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर रहा हो, याद है ना आपको लास्ट क्लास में कल जो हमने बात की थी, एक मॉड्यूल अगर दूसरे मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर रहा हो तो उसको अपन कंट्रोल कपल बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने सोचे थे। यस, अब यहां बोल रहा है कंट्रोल कपल अकर्स व्हेन मॉड्यूल शेयर कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर्स, शेयर कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर एंड यूजेज ओनली पार्ट ऑफ इट। उसके किसी पार्ट पे काम कर रहे होते हैं। आप सोच के बताइएगा, मेरे ख्याल से अगर ये डेफिनेशन स्टैम्प कपलिंग के लिए यूज करते तो बेटर होता। फॉलो कर पा रहे क्या? बिकॉज स्टैम्प कपलिंग के अंदर हम डेटा पास करते कि डेटा स्ट्रक्चर, आप ऐसा भी सोच सकते हो, बिकॉज आप डायरेक्टली एड्रेस पास कर रहे होते हो, है ना। तो एड्रेस पास करना मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही पास कर दिया आपने, क्योंकि अगर पूरा डेटा स्ट्रक्चर किसी को पास करना हो तो आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, यूजिंग वैल्यू ही कर सकते हो, है ना। तो आर जो है या क्यू जो स्टेटमेंट है वो इस हिसाब से बिल्कुल सही बिहेव नहीं कर रहा है, एंड यूजेस ओनली द पार्ट ऑफ इट। मेरे ख्याल से यहां पर बेटर आंसर होना चाहिए बी, विच इज पी एंड आर। एक बार देखिए रिलेट कर पा रहे इस पॉइंट को, है ना। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि क्लियर कट एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन आपको मिले, पर अगर थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, फॉलो करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक केस और देखते हैं, जरा उसको एक बार ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइएगा किस तरीके से बिहेव करेगा या कैसे उसको आगे अपने कंसिडर करना चाहिए। या बिफोर दैट चलो, फिर कुछ क्वेश्चन हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब दोनों आइडियाज अपने को आ जाएंगे। तो पहले फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कोहिजन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना। तो कोहिजन का क्या गेम है, क्या आइडिया है, और डेफिनेशन के हिसाब से किस तरीके से बिहेव करता है, एक एक पॉइंट देखेंगे। रिलेटिवली देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज काफी कंफ्यूजिंग है। तो अगेन अपने को एक एक पूरा पॉइंट बिल्कुल लास्ट तक समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर बेसिक आइडिया भी आपको क्लियर होता चलेगा तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो लेट मी गो वन बाय वन और एक बार डिस्कस करूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा वैल्यू किस तरीके से बिहेव करेगा। तो हेडिंग जो है हमारा वो क्या है, कोहिजन। तो अगेन मुझे याद दिलाओ, व्हाट इज कोहिजन? कोहिजन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल एंड इनसाइड अ मॉड्यूल, इनसाइड अ मॉड्यूल। और यहां पर उल्टा है जो हम बात कर रहे हैं, कोहिजन बेटर क्या है? आई थिंक जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। ऑल्दो जैसे वहां पर भी हमने लो टू हाई पढ़ा, यहाँ पर हम पहला पढ़ रहे हैं कोइंसिडेंटल, लास्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शनल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोहिजन भी हम लो टू हाई ही पढ़ेंगे। कोहिजन विल ऑल्सो बी स्टडिंग फ्रॉम लो टू हाई, बट इस बार आपको समझना पड़ेगा कि जो डिजायरेबल कोहिजन होगा वो फंक्शनल होगा या कोइंसिडेंटल होगा। इस बार जो हमारा डिजायरेबल कोहिजन होगा वो फंक्शनल होगा, है ना।
तो पहले हमने बेस्ट से वर्स्ट की तरफ गए थे इन केस ऑफ कपलिंग, बट इन केस ऑफ कोहेजन समहाउ वी आर गोइंग फ्रॉम यू कैन से वर्स्ट टू बेस्ट। ओके, तो मैं एक एक करके बात करता हूं। जो सबसे पहला हमारा कोहिजन है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल कोहिजन। क्या बोल रहे हैं? कोइंसिडेंटल। तो वैसे तो इसका नाम काफी हद तक इसकी सच्चाई बता रहा होता है कि भाई ये कोइंसिडेंटल कोहिजन का मतलब आखिर है क्या, किस तरीके से बिहेव करेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर हम बहुत सारे फंक्शंस को या अलग अलग आइडियाज को मिला के एक मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि भाई प्रोसेस मैनेजमेंट है, सीपीयू शेड्यूलिंग है, या मेमोरी मैनेजमेंट है। यस, है ना। या जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल ले रहे थे फोर्सेस का कि कौन सा फोर्स क्या काम करता है, तो उसके पीछे एक लॉजिकल आइडिया है कि एक तरह के जो आइडियाज हमको एक फोर्स को दिया, दूसरे से एक आइडिया को दूसरे फोर्स को दिया। बट अगर मैं ऐसा कोई लॉजिक ही ना लगाऊं और मैं रैंडमली कोई भी चार फंक्शन उठाऊ, उनको उठा के एक मॉड्यूल के अंदर पैक रख दो, है ना। और लॉजिकली क्या बोलते हैं, देखिए जैसे लिखा, वी आर द ओनली रिलेशन बिटवीन द फंक्शंस विच आर प्रेजेंट इन अ मॉड्यूल इज रैंडम और कोइंसिडेंटल। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। आप रैंडमली किसी को भी उठा रहे हो, एक मॉड्यूल के अंदर रख रहे हो, तो ऐसा अगर आप करोगे तो ठीक है, एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर तो बनेगा, बट आप मुझे बताओ क्या ये कोई बहुत लॉजिकल तरीका होगा? होगा। ये बात सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना? यस, तो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंटल कोहेजन। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए वर्किंग आउटपुट आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है। बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हो कि ये कोई लॉजिकल आइडिया ही नहीं है डिजाइन करने का, है ना, क्योंकि आप किसी को भी उठाकर किसी में रख रहे हो, तो आपकी बात सही है। अब ऑफ कोर्स जिसने रखा होगा आउटपुट तो लाएगा, बिकॉज वैलिडिटी इज अ डिफरेंट थिंग कि सही से काम करे, बट अपने को बोलना चाहिए वो ऑर्गेनाइज करने का सही तरीका नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए, क्या एग्जाम्पल आपको दूं, ऐसा सोचो, चलो एक एक कॉलेज के अंदर हॉस्टल में स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कराना है। बताओगे किस तरीके से अकोमोडेट कराना चाहिए? हॉस्टल के अंदर रूम अकोमोडेट करने हैं तो जो दो स्टूडेंट को सेम रूम मिल रहा है उनके बीच में किस तरह का कोहिजन होना चाहिए बताओ? वेरी गुड। तो एक आइडिया हो सकता है दोनों का ब्रांच सेम होना चाहिए। गुड। इसके अलावा बताओ। इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखते हैं, सेम सिटी, ओके, सेम सेमेस्टर या सेम ईयर होना चाहिए, सेम जेंडर होना चाहिए। ये तो आप बहुत आगे की पहुंच गए हिंदुस्तान में, मैं तो इसको ऑप्शन मान ही नहीं रहा था। ठीक है, तो सबसे देखिए ज्यादातर कॉलेज में क्या करते हैं, सेम ईयर होना चाहिए इस बात पे ध्यान देते हैं। अब आप सोचो, फर्स्ट ईयर के फाइनल ईयर का बच्चा रख दोगे या फाइनल के साथ फर्स्ट ईयर रखोगे तो क्या प्रॉपर हैंडल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप देखते हैं ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बोलते हैं फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का है, समथिंग लाइक दिस। तो ईयर वाइज एलोकेट करना बेटर रहता है, बिकॉज लड़ाइयां नहीं होती, बच्चे एक दूसरे के प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर पा रहे होते हैं। रही बात ब्रांच की, तो हाँ ये भी लॉजिकल है, सेम ब्रांच वालों को देखो वो रिलेट कर पाएंगे, है ना। सेम सिटी वालों को दें, ये बच्चों के लिए तो अच्छा है, कॉलेज के लिए दिक्कत है, बिकॉज फिर लड़ाइयां होती है और गैंग बन जाते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज वाले अवॉइड करते हैं, वो चाहते हैं कि अलग अलग को दो इनको, सेम ब्रांच वालों को मत दो एक साथ, है ना। और सेम लाइक रिलेटिव तो खैर बहुत दूर की बात है, बट सेम सिटी वालों को एक साथ मत दो, अलग अलग रखो। खैर ये आइडिया हो सकता है। तो अब अगेन आप मुझे बताओ, अगर हम रैंडमली अलोकेट करेंगे तो क्या ये एक अच्छा कोहिजन होगा? तो मान लीजिए कि फाइनल ईयर बी फार्मा स्टूडेंट के साथ आपने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस रख दिया, दैट डजंट मेक एनी सेंस। स्टिल क्या हॉस्टल चलेगा? हाँ, तो दोबारा एक बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आउटपुट गड़बड़ आ रहा है या काम नहीं होगा, काम तो होगा, लेकिन वो मॉड्यूलैरिटी करने का, वो कोहिजन करने का सही तरीका नहीं है, बस ये बोल रहा है ना। तो ये जो फर्स्ट आइडिया है इसको मैंने बोला कोइंसिडेंटल, तो जाहिर सी बात है कोइंसिडेंटल अपने को
डिजायर करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो यू शुड नॉट हैव अ मॉड्युलैरिटी और मॉड्यूल जहां पर कोइंसिडेंटल कोहेजन यूज किया गया हो। अगला जो है दोस्तों होता है क्या, लॉजिकल कोहेजन। अब लॉजिकल का देखो जैसे नाम भी बता रहा है कि थोड़ा सा इसमें लॉजिक इन्वॉल्व है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फाइनली जो बेसिक आइडिया है, जो जो सिमिलैरिटी है वो होनी चाहिए। हो सकता है इंटरनली चीजें बहुत अलग अलग हों, जैसे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल परफॉर्म सिमिलर और स्लाइटली सिमिलर ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रिंटर, माउस, स्कैनर, ये सबको सेम मॉड्यूल में रख दिया। तो अब यही देखो एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है और आप बोल रहे हो इफ एनीथिंग इज रिलेटेड विद इनपुट आउटपुट, है ना, तो वो जो है एक मॉड्यूल के अंदर आएगा जिसका नाम हमने रख दिया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ऐसा कर सकते हैं मुझे एक बार बताओ पहले। अगर लॉजिकल क्वेश्चन की बात करें तो हम बोल रहे हैं इनपुट आउटपुट जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको उठा के अपन मॉड्यूल रख रहे हैं। बट अब आप देखो जरा इंटरनली जाके जब चेक करोगे तो यू टेल मी वन थिंग, आप प्रिंटर और माउस का आपस में क्या कुछ खास लेना देना है? ऐसा है क्या कि जिन फंक्शन से आप माउस को कंट्रोल कर रहे हो उन्हीं फंक्शंस, उन्हीं प्रोसीजर से आप प्रिंटर को भी कंट्रोल कर रहे होंगे? तो ऐसा नहीं है। स्कैनर अगेन एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होगी, प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है, स्कैनर आपसे इनपुट ले रहा है, तो अगेन लॉजिकल तो बोलना पड़ेगा बिकॉज ये बिल्कुल रैंडम तो नहीं है। बट ज्यादातर केस में जैसे आप देख रहे हो होता क्या है कि वो सिमिलर टाइप के जरूर है बट उनका आपस में कोई खास लेना देना नहीं है। जैसे अगेन हॉस्टल वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कॉलेज के अंदर बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं, है ना, मान लीजिए बी फार्मा हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है एमबीए हो सकता है, आर्ट्स हो सकती है। अब अगर आप बीटेक वाले को बीटेक के साथ रख रहे हो, ऑल दो उनकी ब्रांच डिफरेंट है, तो एक सिमिलैरिटी तो है कि भाई इंजीनियरिंग हॉस्टल है ना, वेदर मैकेनिकल से आप किसी को भी साथ में रखो, है ना, बट कोई इतना रिलेटेबल भी नहीं है बिकॉज अगर आप मान लीजिए एक मैकेनिकल और एक सीएस वाले को साथ में रखोगे तो उनके सब्जेक्ट्स, उनके एम, उनकी फिलॉसफी, उनके क्लास शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो कोई एक दूसरे को वो खास सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, तो लॉजिकल क्वेश्चन अपने नाम की तरह काम कर रहा है। यस देर इज सम लॉजिक इन्वॉल्व, नो डाउट इन दैट, है ना, बट द पॉइंट इज कि कोई बहुत खास रिलेशन नहीं होता आपस में इन सबका। के पॉइंट समझ आ रहा है सभी को? ओके ओके, अगला नंबर जो देखो यहां पर आता है वो आता है किसका, टेम्पोरल कोहेजन का। अगला नंबर आता है टेम्पोरल कोहेजन का, और टेम्पोरल कोहेजन का क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्या आइडिया है। हम बोलते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं, देखिए उससे आप क्या सीख पाते हो। इन केस ऑफ टेम्पोरल कोहेजन फंक्शंस आर रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट ऑल द टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन सेम टाइम स्पैन। एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर में आपको सारे टास्क परफॉर्म करने होंगे एंड देर इज अ फ्लो कंट्रोल बिटवीन द फंक्शंस। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कंट्रोल फुल फ्लो हो रहा होता है ना। तो दो तरह के फ्लो हो सकते हैं, एक हो सकता है डेटा फ्लो, एक हो सकता है कंट्रोल फ्लो। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे और आप इस बात को और अच्छे से समझोगे, बट कंट्रोल फ्लो हो रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल टू फंक्शंस है, फर्स्ट जो है एक्सेप्शन कैच करता है और सेकंड जो है वो मान लीजिए एक एरर मैसेज फ्लैश कर रहा है, तो क्या इनके बीच में सीक्वेंस होता है आप मुझे बताओ? यस, तो पहले एक्सेप्शन कैच होगा उसके बाद एरर मैसेज फ्लैश होगा, ना कि पहले एरर मैसेज आए उसके बाद एक्सेप्शन आए, है ना। तो इस तरह के फंक्शंस को जो एक कंट्रोल से जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर ऐसा आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्पोरल कोहेजन। अगेन एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था आगे शायद मिलेगा, क्या टेम्पोरल का मतलब कोई टेम्परेरी वेरिएबल ऐसा कुछ है? टेम्पोरल मतलब टाइम, है ना। तो जो यस, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं टेम्पोरल कोहेजन, वेरी गुड, सो इट इज रिलेटेड टू टाइम। तो टाइम की वजह से जो रिलेशन हो रहा है, जो गेम हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हिच हम इसको टेम्पोरल कोहेजन बोल रहे हैं, फेयर है ना। नेक्स्ट हमारे देखिए अगला टाइप क्या है, प्रोसीजरल कोहेजन। अब प्रोसीजरल कोहेजन क्या है, देखो पहले एक बात समझिएगा, जैसे हम एक हायरार्की फॉलो करते हैं ना, तो यहां भी एक तरह का हायरार्की, और हायरार्की क्या है,
अगर मैं प्रोसीजरल कोहेजन बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि टेम्पोरल से बिल्कुल अलग है, तो टेम्पोरल का ही एक और एडिशनल टाइप आप ऐसा बोल सकते हो, इट्स कॉल्ड प्रोसीजरल कोहेजन। और जहां पर देखिए हम क्या बोलते हैं, क्या लिखता हूं, हियर फंक्शंस ऑफ अ मॉड्यूल आर रिलेटेड ईच अदर थ्रू फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल तो पहले भी था, दैट इज दे आर अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम और अ प्रोसीजर। यानी कि अब एक एडिशनल बात बोल रहा है कि जो दो फंक्शंस मान लीजिए जिनको आप रिलेट कर रहे हो, ये साथ ही एक एल्गोरिथम एक प्रोसीजर का भी पार्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल टू फंक्शंस, फर्स्ट चेक कर रहा है फाइल एक्सेस का परमिशन, और सेकंड अगर आपको अलाउड है ना, आप एक्सेस वाला फेज क्लियर कर रहे हैं तो उस फाइल को ओपन कर रहा है। और अगर इस तरह का गेम है तो उसको हम बोल रहे हैं प्रोसीजरल कोहेजन। एक बार देखो पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, प्रोसीजरल कोहेजन वाला। तो एडिशनली फ्लो कंट्रोल के साथ जब आप किसी प्रोसीजर का पार्ट बन जाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल कोहेजन। तो अगला टाइप है कम्युनिकेशनल। ऑल्दो एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे आइडिया होते हैं। देखिए जहां भी प्रोसीजर है, यहां पर हमने क्या लिया, परमिशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने एक फंक्शन लिखा, और फंक्शन ऐसा है कि एक कंप्यूटर, एक हार्डवेयर है जो फायर सेंसर है, फायर सेंस करता है, और दूसरा है उसके बेस पे एक अलार्म बजाता है, और तीसरा आइलेट में से वाटर स्प्लिंडर्स लगे हैं, पानी की कर देता है ना। अब इनके बीच में आप मुझे बताओ क्या एक प्रोसीजर का हिस्सा है, क्या एक प्रोसीजरल कोहेजन है? जी हाँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अलार्म बजेगा या अलार्म हिट होगा, है ना, उसके बाद वार्निंग सिग्नल आएगा, और सबसे लास्ट में पानी की सप्लाई चालू होगी, है ना। तो यू कैन से यस, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर जो हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ओके। अगला जो नंबर आता है आफ्टर प्रोसीजरल कोहेजन, यहां पर उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशनल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन का जो अगला पार्ट हमारा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशनल कोहेजन। अब कम्युनिकेशनल कोहेजन का क्या गेम है, क्या लॉजिक, एक बार बताता हूं इस आइडिया को भी। तो देखिए बाय कम्युनिकेशन कोहेजन वी मींस कि जो भी फंक्शंस वहां पर हैं, दे आर ऑपरेटिंग ऑन सेम डेटा स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल आइडिया हो सकता है, पुश एंड पॉप फंक्शन है। पुश और पॉप दो अलग अलग फंक्शन है, बट इनके बीच में बड़ी कोर सिमिलैरिटी है, और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं क्या सिमिलैरिटी, बताओ। तो दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, स्टैक पे ऑपरेट करते हैं, दोनों के दोनों ही स्टैक पे ऑपरेट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर, या जैसे फॉर एग्जांपल क्यू पे ऑपरेट करने वाले दो फंक्शन बताओ, क्यू पे कौन कौन काम करता है? वेरी गुड, एन क्यू और डी क्यू, है ना। तो एन क्यू क्या बेसिकली बोलते हैं, इंसर्ट करता है, इंसर्ट ऑपरेशन, और डी क्यू इज अ काइंड ऑफ डिलीट ऑपरेशन। तो उनको अगर आप रखोगे ना, दैट बिकम्स अ कम्युनिकेशनल कोहेजन। फेयर एनफ। तो बस प्रोसेस या सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला जो नंबर है वो आता है सीक्वेंशियल कोहेजन का, है ना। अब अगेन ये फिर दोबारा टेम्पोरल प्रोसीजर वाली लाइन में ही है। तो पहले आपने टेम्पोरल पढ़ा, फिर प्रोसीजर पढ़ा, अब सीक्वेंशियल क्या है? तो हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कोहेजन के अंदर अगेन टाइम और प्रोसीजर के साथ साथ डेटा डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। मतलब जैसे पहले मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल फाइल एक्सेस का एग्जाम्पल दिया या फायर अलार्म तो जरूरी नहीं है कि पहले से या पहले फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर कोई डेटा भी फ्लो हो रहा हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, है ना। बट सीक्वेंशियल कोहेजन के अंदर क्या होता है बताओ, सीक्वेंशियल कोहेजन के अंदर तो हम बोलते हैं कि अलोंग विद फ्लो और अलोंग विद प्रोसीजर देयर मस्ट बी डिपेंडेंसी ऑफ डेटा। तो मान लीजिए अगर कोई भी हम एग्जाम्पल लें कि एक फंक्शन है जो कैलकुलेट कर रहा है बेसिक सैलरी, और सेकंड फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है टीएडी एचआर, और थर्ड फंक्शन फाइनली ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या इन तीनों के बीच में अब एक सीक्वेंशियल कोहेजन होगा बताओ? क्या तीनों? यस बिल्कुल, बिकॉज जब तक बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक टीएडीए हम कंप्यूट नहीं कर सकते, और जब तक टीएडीए कंप्यूट नहीं करेंगे, वो वैल्यू अपने को नहीं पता लगेगी, तब तक ग्रॉस सैलरी अपने को नहीं मिलेगी। तो यू नीड ऑल द थ्री। देखिए एक बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस।
है ना, तो कुछ इस तरीके से बिहेवियर करेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट, फंक्शनल कोहेजन एंड विच इज द लास्ट एंड बेस्ट टाइप ऑफ कोहेजन। तो यहां पर देखिए गेम क्या है, हम ये देखना छोड़ देते हैं फंक्शनल कोहेजन के अंदर कि कौन सा फंक्शन या कौन सा मॉड्यूल किस तरीके से रिलेट हो रहा है, उनके बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर हमारा मेन इंटेंशन इंटेंसिटी क्या होता है या मेन इंटेंशन क्या होता है, अगर कुछ लोग एक मॉड्यूल के अंदर मिलके, हाँ बोल सकते हैं अनुश्री, कुछ लोग अगर एक मॉड्यूल के अंदर मिलके कुछ एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अभी ये क्लास, अगर हम इसको एक मॉड्यूल मान लें है ना, तो आप और मैं दोनों उस क्लास का हिस्सा है, वो अलग बात है। अगर कोहेजन के बेस पे देखें कि आपके और मेरे गोल्स अलग अलग हैं फिलहाल, कि आपके और मेरे गोल्स अलग अलग हैं, जी हाँ है ना, तो आपका गोल हो सकता है मैं भी अच्छे से पढ़ना, मेरा गोल हो सकता है अच्छे से पढ़ाना, डिफरेंट आइडियाज हैं है ना, बट स्टिल जब हम दोनों साथ में मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब एक लर्निंग प्रोसेस या जो इस क्लास का गोल है ना, ऑनलाइन एजुकेशन, वो पूरा हो रहा होता है। तो अगेन जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मान लीजिए अगर एक मॉड्यूल है जो माउस पे काम कर रही है, अब माउस से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे वो लोकेशन ट्रैक करना है, स्क्रीन पे डिकोड करना है, कर्सर के मूवमेंट को समझना है, क्या वो सबका सब एक मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए? यस है ना, एंड लॉजिकली दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ फंक्शन और कोहेजन पॉसिबल, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल कोहेजन है ना। तो फंक्शनल कोहेजन हम कब बोलते हैं, अगर सब लोग मिलकर कोऑपरेट करें और किसी सिंगल आइडिया को, फंक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करें, देन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल कोहेजन। अलग अलग मॉड्यूल एक बड़ा गोल अचीव कर रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगेन अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप वैलिडेशन की जो बात करते हैं ना, आपके सॉफ्टवेयर का क्या गोल है, तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉड्यूल्स होंगे वो सॉफ्टवेयर के गोल अकम्प्लिश करेंगे। फिर उस मॉड्यूल की आप बात करो तो उस मॉड्यूल का अपना क्या गोल है, उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होंगे मिलके मॉड्यूल का गोल अकम्प्लिश करेंगे है ना। तो अल्टीमेटली बस हाँ ये जरूर देखना है कि जो ओवरऑल गोल है, अगर उसके हिसाब से हम काम कर रहे हो, भले उनका नेचर अलग हो, उनके काम करने का तरीका अलग हो है ना, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मॉड्यूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डिपार्टमेंट आपको बता दो, मान लीजिए रेलवेज है या आर्मी है, आप बताओ कि आर्मी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? क्या आर्मी के अंदर डॉक्टर्स होते हैं? डॉक्टर, जी हाँ। क्या आर्मी के अंदर इंजीनियर्स होते हैं? इंजीनियर, जी हाँ। अच्छा टेक्नीशियन, मान लीजिए प्लम्बर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब होते हैं? हाँ मैं तो टेक्निकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, जी हाँ ये सब भी होते हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे, इवन दर्जी है ना, आप कोई भी सोचो, कोई भी काम सोच लो, बिकॉज आर्मी अपने आप में एक सोसाइटी है ना, बार बार, यस एवरीबडी विल बी देयर, एवरीबडी विल बी देयर, बट आपको ऐसा लगेगा अब ये क्वेश्चन खराब है कि मुश्किल है, अब लॉजिकली लगता है इन सबको एक यूनिट में आप कैसे रख सकते हो, बट ये सब लोग मिलके एक सिंगल गोल अकम्प्लिश कर रहे होते हैं, विच इज द मेंटेनेंस ऑफ द फोर्स, कि किसी भी टाइम पे है ना, फोर्स जब या तो लड़ाई के लिए जाती है, पीस टाइम पर भी उसकी जितनी नेसेसिटीज है वो सब पूरी हो रही हो, तो सब लोग मिलके सही से काम कर रहे हैं है ना। तो अल्टीमेटली जो फंक्शनल कोहेजन है वो हम मानते हैं कि सबसे बेस्ट काम करता है। तो जरा एक बार मुझे सीक्वेंस याद करके बता दो, ऑल्दो भी क्वेश्चन सॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि इतनी कोई बहुत डेप्थ में कोई अजीब बात पूछ लेगा आपसे, लेकिन अब बेसिक आइडिया याद होना चाहिए। तो बताओ सबसे पहला कोइंसिडेंटल, उसके बाद लॉजिकल, टेम्पोरल, देन प्रोसीजरल, देन कम्युनिकेशनल, सिक्वेंशियल एंड फंक्शनल है ना। तो याद रखिएगा टोटल 7 आपके पास टाइप है कोहेजन का। और एक बार जरा मैं आपको कपलिंग भी दिखा देता हूं, ना लुक एट कपलिंग। तो कपलिंग में भी 7 ही टाइप का कपलिंग था, 6 टाइप का था, जी हाँ कपलिंग हमारा 6 टाइप का था। तो जरा बताओ याद करें कौन कौन से कपलिंग थे, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग।
है ना, जिनका हर किसी का बेसिक आइडिया बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था। अब मैं एक काम करता हूँ कि एक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट गो थ्रू इट और जरा मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ये कब पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 2015 के अंदर पूछा है। वेरी गुड, मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सर कंटेंट कपलिंग पे टू मॉड्यूल्स को मर्ज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एक मॉड्यूल तो दूसरे मॉड्यूल का कंटेंट है। मैं निश्चय भी बताता हूँ इस चीज को। टेम्पोरल कोइजन मीन्स कोइंसिडेंटल कोइजन बिटवीन टेम्पररी मॉड्यूल्स। ओके, आई थिंक ये बात तो बहुत सिंपल है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा है टेम्पररी वेरिएबल, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे वेरिएबल का लॉजिक है, बट नहीं, टेम्पोरल कोइजन में रिलेशनशिप है किसका, टाइम का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि उनको मर्ज क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसा समझिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक मॉड्यूल के अंदर हम इंटरनल फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि नहीं, हम उसको सेपरेट इसलिए रखना चाहते हैं बिकॉज हम चीजों को क्लियर रखना चाहते हैं। हो सकता है ये जो आउटर मॉड्यूल हो, इंटरनल मॉड्यूल उसको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ऑल्दो इंटरनल मॉड्यूल का आउटर मॉड्यूल से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं हो, है ना। तो हम अगर इसको मर्ज कर देंगे तो चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कार के इंजन की बात आपसे कर रहा था, तो आप मुझे बताओ क्या अगर हम कार और इंजन को परमानेंट फ्यूज कर दें तो ये फायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर कार और इंजन को परमानेंट फ्यूज कर दें नुकसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अब मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, लेकिन मान लीजिए मारुति ऑल्टो है, मारुति 800 है, और जो भी बेसिक लेवल की गाड़ी आती है मोर और लेस उन सब में सेम इंजन लगा होता है, शायद इवन वैगनार तक में सेम इंजन यूज करती है मारुति, है ना। तो उसने तो एक इंजन बनाया हुआ है, उसको अच्छे से टेस्ट किया हुआ है, चेक किया हुआ है, और जो भी बेसिक मॉडल है उसी के अंदर वो इंजन लगा रहा है। ये लेकिन ये मैं तभी तक कर पा रहा हूँ जब तक मैं इंजन को सेपरेटली समझ रहा हूँ और उसकी एक एंटिटी मान रहा हूँ, उसको एक मॉड्यूल मान रहा हूँ। अगर वो इंजन उसका पार्ट बन जाए तो आप सोच सकते हो फिर फायदा नहीं है, देन हर कार के लिए आपको सेपरेटली इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के अंदर है तो जरूरी नहीं कि उनके आपस में कोई खास रिलेशनशिप हो, बिकॉज वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा दूसरे मॉड्यूल को, है ना। तो इस तरीके को हम सेपरेट ही रहने देते हैं बिकॉज इट गिव अस मोर सेंस ऑफ क्लैरिटी उस टोटल आइडिया को, उस कंसेप्ट को समझने में। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये अगर पूछा है, काफी रिसेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा था। एक बार पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जनवरी 2017। Anushi is saying B, Saurabh is saying C, Basant is also saying C, okay. देखो बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन था, बट ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी करते हैं। बाकी लोग ट्राई करेंगे। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अनुश्री। तो ऑप्शन स्टेटमेंट एस वन एस टू आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, वो सही तो है बट काइंड ऑफ उल्टा लिखा हुआ है। क्यों, जरा देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, एस वन में क्या लिखा हुआ है। एस वन कहता है कपलिंग इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल थिंग्स आर ग्रुप टूगेदर इन अ मॉड्यूल बिलोंग्स टूगेदर लॉजिकली।
आप मुझे बताओ ये कपलिंग जो है भाई, ये डेफिनेशन कपलिंग की है या कोहेजन की है? देखो ऑब्जर्व करो, सिमिलरली ध्यान से देखो सेकंड में क्या लिखा है, कोहेजन इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। तो अगर बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की इंटरेक्शन की बात करें तो भाई ये तो हम कपलिंग में पढ़ते हैं, है ना? कोई बात नहीं, मगर देखो एग्जाम में आपको कितना कॉन्शियस रहना है, एग्जाम में कितना कॉन्शियस रहना। अगर ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करोगे तो गेम गड़बड़ हो जाएगा। जानबूझ के डेफिनेशन उसने क्लियर लिखी, अच्छा बच्चा जो डेफिनेशन सही पढ़ता है तो वो में भी इस बात पर ध्यान नहीं दे कि क्या कपलिंग और क्या कोहेजन है। तो बताओ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहां पर गलत हो जाते हैं। अब मैं आखिरी थर्ड वाले पे चल सकता हूँ। लास्ट स्टेटमेंट क्या, जरा देखो, कह रहा है इफ कपलिंग इज लो एंड कोहेजन इज हाई देन इट इजियर टू चेंज वन मॉड्यूल विद रेस्पेक्ट विदाउट इफेक्टिंग अदर। तो आई थिंक दिस इज वेरी, अगर उसका अपना कोहेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होगा, डिपेंडेंसी कम होगी तो बहुत आराम से आप चेंज कर पाएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल सेकेंड इज द मोस्ट रिलेटेबल आंसर। ये देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बात समझ आ रही है सभी को? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन, ऑल्दो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गेट 2015, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगेन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज हाईली मॉड्यूलर इफ, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि कोहिजन कैसा होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, और कपलिंग कैसा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, है ना? तो स्टैंप नहीं, बिकॉज स्टैंप आप जानते हो सेकंड टाइप है, जो मोस्ट डिजायरेबल है। फंक्शन जो है वो कोहिजन है और कपलिंग जो है वो डेटा है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस ये जानना चाह रहा है कि आपको सबके नाम याद हैं कि नहीं और आप फर्स्ट से सेकंड में सीक्वेंस फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, और सब रिसेंट ईयर क्वेश्चन है। 2013 में एक बार देखो क्या पूछा था। अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन मस्ट बी, ऑप्शन सी, वेरी गुड, लो मॉड्यूल कपलिंग एंड हाई कोहेजन। तो अगेन यही जानना चाह रहा है कि आपको कपलिंग और कोहेजन में सिर्फ इतना भी पता है कि नहीं कि किस तरीके से कपल कर रहे हैं, कैसे उसको आगे लेके चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है इतना पॉइंट सभी को? फेयर इनफ। एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस, ये क्वेश्चन पूछा है सितंबर 2013 में। एक बार ध्यान से फॉलो करो, बताओ सही आंसर क्या होगा।
ऑप्शन बी। वेरी गुड। डैश मॉड्यूल इन डैश कपलिंग मॉड्यूल ए एंड बी यूजेस द कॉमन डेटा टाइप बट परहैप्स परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इट। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। देखो जानबूझ के मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया। अब चार में से एक ऑप्शन सही चूज करना है तो यस यू में आंसर बी, बट स्टैम कपलिंग ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन इनसे कोई खास लेने देना है नहीं। यस और नो? आप कॉमन डेटा टाइप यूज करते हो तो कॉमन कपलिंग में भी कर सकते हो, और लोग कॉमन कपलिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बट हमारा जो आइडिया है स्टैम कपलिंग का, वहां पर हमें सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए कि हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। अब वो रेफरेंस किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी अपने को नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? यस, फेयर इनफ। बट हाँ, अगर बेस्ट पॉसिबल है तो इसमें स्टैम बोला जा सकता है। एक और देखिए, लुक एट दिस। इन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन ए बी सी डी चार ऑप्शन है। कॉमन होता तो बेटर होता, अनुश्री बोल सकता हूं। ओके, मैक्सिमाइज कोहेजन एंड मिनिमाइज कपलिंग। यस। अच्छा, अगेन ऑब्जर्वेशन पूछना चाह रहा हूं, आपको समझ आ रहा है ज्यादातर केस में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो क्या कोई बहुत इनडेप्थ डेफिनेशन, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया पूछ रहे हैं? नहीं, आपको सिंपल सा आइडिया याद हो, सीक्वेंस याद हो, तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? यस। एक और क्वेश्चन देखिए, मैचिंग क्वेश्चन देखिए। सबसे रीसेंट ये 2016 में पूछा, जुलाई के अंदर मैचिंग क्वेश्चन। चेक दिस वन आउट। ओके, सौरभ बोल रहे हैं ए, अनुश्री बोल रही हैं डी, बाकी लोग देखो। ए होगा या डी होगा? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ठीक है, एक एक करके देखते हैं, फिर आप बताइएगा। कपलिंग, कोहिजन, स्केलेबल और रीडेबल। तो इसमें स्केलेबल रीडेबल ऑल दो थोड़ी डिफरेंट टर्म है, बट ध्यान से देखोगे तो उस बात को समझा भी जा सकता है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको लिस्ट टू पहले पढ़ता हूं और फिर देखता हूं लिस्ट टू में आप किसको किससे रिलेट करोगे। पहला है, इजी टू विजुअली इंस्पेक्ट द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड अंडरस्टैंड इट्स पर्पस। आसानी से सॉफ्टवेयर डिजाइन को पढ़ पाना, समझ लेना कि वो क्या काम कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी किसी के अंदर हो
तो यार मुझसे पूछोगे तो मैं इसको रिलेट करूंगा रीडेबल से। आप देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और अगर ऐसा है तो देखो कितने आसान कॉम्बिनेशन है, करेक्ट आंसर सी हो गया, बात खत्म, और कुछ चेक ही नहीं करना। आगे देखता हूं। इजी टू ऐड फंक्शनैलिटी टू द सॉफ्टवेयर विदाउट हैविंग टू रीडिजाइन इट। अगर उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आपको, बट उसे पूरा रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है, तो यही तो स्केलेबिलिटी होती है कि समय के साथ एज पर रिक्वायरमेंट अगर उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो पूरे आइडिया को रीडिजाइन नहीं करना पड़े। यस दिस इज स्केलेबिलिटी। आगे देखिए नेक्स्ट अप्रोच क्या है, या नेक्स्ट क्या, फोकस अपॉन अ सिंगल गोल। तो आई थिंक दिस इज नथिंग बट कोहिजन, जो हमने फंक्शनल कोहिजन में पढ़ा है, जहां पर हम चाहते हैं कि सब मिलके एक फंक्शन पे काम करें, फंक्शन एग्जीक्यूट करें। देखो ये भी फॉलो कर पा रहे हो क्या? और लास्ट क्या बोल रहा है? कपलिंग। कपलिंग मीन्स रिलायंस ऑफ अ कोड मॉड्यूल अपॉन द अदर कोड मॉड्यूल, डिपेंडेंसी एक के ऊपर दूसरे का। अब बताओ भी क्लियर हो रहा है क्या, या अभी भी कंफ्यूजन है? ओके एक और क्वेश्चन ट्राई करो, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, तब बताओ। कोई ऑप्शन गड़बड़ है तो बताओ। ऑप्शन बी। ओके सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या? ठीक है ऑप्शन बी एक बार देखते हैं, फिर बताइएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ए सेकंड, डेटा कपलिंग डिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे कम्युनिकेट बाय पासिंग ऑफ ओनली डेटा। आई थिंक बिल्कुल सिंपल है, हम रिलेट कर पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, बी इज थर्ड, स्टैम्प कपलिंग व्हेन कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। ये भी बिल्कुल सही है, जब पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं। देन सी इज फर्स्ट, कॉमन कपलिंग, अ मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी हैव शेयर्ड डेटा। जी हाँ, यही डेफिनेशन है कॉमन कपलिंग का। एंड देन लास्ट वन इज कंटेंट, व्हेन अ कंट्रोल इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू मिडिल ऑफ अनदर मॉड्यूल। एक बार देखो सारे केस रिलेट कर पा रहे हैं क्या, और मुझे बताओ कपलिंग कोहिजन ये टॉपिक पर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, मान लो एक बार। ओके इसके अलावा देखो कुछ और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो काइंड ऑफ रिलेटेड है बट थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट पे होता है, जिसको पहले से अपन ने नहीं पढ़ा होता। इस तरह के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये देखिए, इस तरह का मैंने कुछ आइडिया भी आपको नहीं पढ़ाया, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करो एक बार, खुद पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, बट घबराना नहीं है।
पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो। पॉज हो रहा है क्या? ओके सर, अब रिफ्रेश करो एक बार। बसंत आपको दिख रही है क्या स्लाइड? क्वेश्चन नजर आ रहा है? जून 2013 कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके अब देखो एक बार, ट्राई करो क्या समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी लोग जो देख रहे थे, देखो वो रिलेट कर पा रहे हैं क्या? फेयर इनफ। देखिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को। बोल रहा है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, पूरा लिखा हुआ है तो अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, बट इस फॉर्मूले को समझते हैं। SMI सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स लिखा है MF और माइनस क्या है क्या, FA प्लस FC प्लस FD, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा है MF से। अपने को पता नहीं क्या होता है, इसने बताया MF इज द नंबर ऑफ मॉड्यूल इन द करंट रिलीज। करंट रिलीज में कितना है? FA कितना एडिशनल इस रिलीज में ऐड किया है? FC कितना चेंज किया है? एंड FD कितना डिलीट किया है? ऐड, चेंज एंड डिलीट, ये एक बेसिक आइडिया आपका है। आगे पूछता है अब बताओ द प्रोडक्ट बिगेन्स टू स्टेबलाइज व्हेन, SMI किस तरफ जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताओ, इमेजिन करो कि हमारे पास फिलहाल करंट रिलीज में 100 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से अगर हमारा सॉफ्टवेयर स्टेबलाइज हो रहा होगा तो एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ। कॉमन सेंस बात है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर स्टेबलाइज हो रहा होगा तो मॉडिफिकेशन कम होगा या मैं बोल सकता हूं जीरो होगा? ना हमने नया कुछ ऐड किया होगा, ना रिमूव किया होगा, ना मॉडिफाई किया होगा, है ना? थ्योरेटिकली कम होना चाहिए। अच्छा, जब ये वैल्यू धीरे धीरे कम होगी तो दिस इक्वेशन विल अप्रोच टू 100 डिवाइड्स बाय 100, एंड 100 डिवाइड बाय 100 फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना? तो बताओ सही आंसर क्या होना चाहिए? ए। अब आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को अगर हम बिना डरे एक बार लॉजिकली दोबारा देखते सोचते तो क्या अप्रोच किया जा सकता था? यस। तो ऐसा नहीं कि इसने कोई बहुत अजीब बात पूछी थी, बट थोड़ी डिफरेंट तो जरूर थी। अब इसको अगर लॉजिकली प्रोसेस करेंगे
तो जरूर एक बार कोशिश की जा सकती थी कि सही क्वेश्चन तक अपन पहुंचे। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? यही लग रहा था, कोई बात नहीं। अब देखो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट किया है। ये देखो ये क्वेश्चन का पूछा था 2013 में, अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर 18 में क्वेश्चन पूछा। अब जरा अगर फॉर्मूला आपको याद है, एम एफ माइनस एफ सी, और क्या क्या लिखा है इसने, एफ सी प्लस एफ डी डिवाइडेड बाय एम एफ, तो जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए आ रहा है, ओके चलो अगेन एक बार वैल्यू देखते, ऑब्जर्व करते हैं इसने क्या बोला। टोटल मॉड्यूल कितने हैं, 940। मेरे ख्याल से फॉर्मूला अब तो आपको पता है, वैल्यू रखनी है माइनस 90, हमने चेंज कर दिए, 40 न्यू ऐड किए हैं और 12 रिमूव किए हैं, एंड दिस टोटल मस्ट बी डिवाइड बाई 940। सो 940 माइनस है कितना हो गया, 142 एंड डिवाइडेड बाई 940। 140 माइनस आई थिंक आएगा 798 डिवाइड बाई 940। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तो यस इट विल कम समथिंग अराउंड 0.8। रिलेट कर पा रहे क्या सब लोग? फेयर है ना? तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, टाइप्स, उसके बाद जो हमारा मॉड्यूलैरिटी है, कपलिंग, कोहेजन, उसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, वो काइंड ऑफ अपन ने डिस्कशन कर लिए हैं। तो अगली क्लास जो होगी वहां पे वो और इंटरेस्टिंग बात अपने को करनी है, वो है टेस्टिंग। तो कोडिंग पे ऑफकोर्स कुछ ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टब्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, तो उस पर लगातार आप जानते हैं हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस वीडियो को यहीं अभी एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, और देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, टाइप है, किस तरह से उसको हैंडल करना है। यस चलिए, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ। ओके।